अल्लाह के एक और वली हैं जिनका नाम है हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े मालदार थे लेकिन सूद का कारोबार करते थे। बसरा के अंदर लोगों को सूद के ऊपर माल देते थे, तो बहरहाल हर एक बंदे के साथ इसका लेन देन था और रोज़ाना आना जाना रहता था इसका। लोगों के साथ जाकर उनके जो है ना वो पैसे वसूल करते थे अपना जो है ना जो माल उन्होंने दिया होता था। तो बहरहाल एक दिन एक अपने जो है ना जिसको इन्होंने सूद के ऊपर माल दिया है उनके घर गए तो दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने कहा मेरा खावन नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ। हाँ एक जो है ना भेड़ का एक भेड़ की जो एक सिरी है मेरे घर में जो हमने ज़िबा की है सिर्फ उसकी सिरी बची हुई। इसने कहा चलो ठीक है वो भी दे दो। तो वो ले आया तो उसके बाद इसने जब अपने घर आया तो अपनी बीवी को कहा कि ये मुझे पका के दो। बीवी ने कहा कि मेरे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है सूद के ऊपर लकड़ियाँ लेके आता हूँ। लकड़ियाँ लेके आए ये और उसके बाद फिर जो है ना इसने जो है ना जब पकाया तो उसी दौरान एक साहिल आया दरवाजे के ऊपर और उन्होंने जो है ना अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा। तो इसने कहा चलो आप दफ़ा हो जाओ, आप तो अमीर नहीं हो गए लेकिन हम फ़कीर हो जाएंगे अगर आपको कुछ देंगे। इसने उसको कुछ नहीं दिया। उसके बाद इसने पकाया तो बीवी ने देखा अंदर सारा खून ही खून हो गया था। तो बीवी ने कहा कि अरे जो है ना हबीब अजमी देखो ये तुम्हारी नहुसत की जो है ना लानत है जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर कि देखो हांडी के अंदर सारा खून ही खून हो गया है। फिर उसके बाद उसके दिल के ऊपर असर हुआ और वो जो है ना दिल उसका तब्दील हो गया और उसने दिल के अंदर सोचा और जा रहा था हज़रत हसन बसरी की महफिल के अंदर। तो रास्ते के अंदर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि जो है ना हबीब अजमी आ रहे हैं लोगों और बच्चे एक दूसरे से कहने लगे हट जाओ कि ऐसा नहुसत वाला बंदा है, ऐसे लानत वाला बंदा है, अगर इसके जो है ना धूल मिट्टी हमारे ऊपर गिर गई तो हम भी गुनाहगार हो जाएंगे लिहाजा दूर हो जाओ सारे। लोग डरते थे उससे, इसका इतना रोब था इतना खौफ था कि वाशी था कि लोग अपने बच्चों को डराने के लिए भी जो है ना इसका नाम लेते थे कि ये जालिम आ रहा है, ये ना सूद का कारोबार करता था। बच्चे खामोश हो जाते थे, सो जाते थे। तो बाहर रहा उसके बाद फिर ये हज़रत हसन बसरी के महफिल में गया, इसका दिल तब्दील हुआ, असर हुआ इसका, अल्लाह अल्लाह का विरद उन्होंने करवाया। उसके बाद जो है ना फिर दोबारा वापस जब आ रहा था इसने अपने कानों से सुना कि वहीं बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ अगर इसके जो है ना धूल मिट्टी हमारे ऊपर आई तो फिर अल्लाह पाक हमें बख्श देंगे, बड़ा अल्लाह का वली आ रहा है। तो अल्लाह पाक ऐसे तब्दील कर देते हैं, नेक लोगों का बहुत बड़ा असर होता है अल्लाह वालों के साथ। जिस तरह अगर हमें जो है ना अगर कोई ट्रैक्टर लेना है तो हम ट्रैक्टर के शोरूम पे जाते हैं, अगर कोई सौदा सल्फ लेना हो तो हम करियाना स्टोर पे जाते हैं। इसी तरह अगर हमें अल्लाह लेना है, अल्लाह की ज़रूरत है तो हमें अल्लाह वालों के पास आना होगा, मदरसे में आना होगा, तो जो है ना अपना शेख मुर्शिद के पास आना होगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए।